हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि अनीता देसाई की द फेयरवेल पार्टी से रिलेटेड होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अनीता देसाई वॉज बॉर्न इन, आपको बताना है कि अनीता देसाई का जन्म कब हुआ था। फर्स्ट 24 जून 1937, सेकेंड 25 जून 1938, थर्ड 26 जून 1939, फोर्थ 27 जून 1940, एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट 24 जून 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, इन फेयरवेल पार्टी अनीता देसाई नरेट्स द स्टोरी ऑफ, आपको बताना है कि फेयरवेल पार्टी में अनीता देसाई किसकी स्टोरी को नरेट करती हैं, बताती हैं। फर्स्ट है अ मिडिल क्लास फैमिली, सेकेंड अ हाई क्लास फैमिली, थर्ड अ पुअर फैमिली, फोर्थ नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट अ मिडिल क्लास फैमिली। तो ये जो फेयरवेल पार्टी होता है इसमें ये मिडिल क्लास फैमिली को डिस्क्राइब कर रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, हु थ्रोज अ फेयरवेल पार्टी, ये कहना चाहते हैं फेयरवेल पार्टी कौन देता है। फर्स्ट है रमन, सेकेंड डॉक्टर, थर्ड बनर्जी, फोर्थ मिसेज राय, करेक्ट आंसर इज ए रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, रमन इज मूविंग फ्रॉम डेली टू, आपको बताना है कि ये जो रमन है वो डेली से कहाँ को जा रहा होता है। फर्स्ट पूना, सेकेंड इलाहाबाद, थर्ड पटना, फोर्थ बॉम्बे, एंड द करेक्ट आंसर इज फोर्थ बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, व्हाई इज रमन मूविंग फ्रॉम डेली टू बॉम्बे, आपको बताना है कि ये जो रमन है वो डेली से बॉम्बे क्यों जा रहा होता है। फर्स्ट है बिकॉज ऑफ हिज ट्रांसफर, सेकेंड बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ प्रॉब्लम, थर्ड बोथ आर करेक्ट, फोर्थ बोथ आर रॉन्ग, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, अपनी ट्रांसफर की वजह से वो दिल्ली से मुंबई जा रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, वेयर इज पार्टी अरेंज्ड, आपको बताना है कि ये जो पार्टी है उसको कहाँ अरेंज किया गया था। फर्स्ट है ऑन द लॉन, सेकेंड इन द रूम, थर्ड इन द हॉल, फोर्थ नन ऑफ दिस, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑन द लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवन्थ, मिसेस बीना रमन इज, आपको बताना है कि मिसेस बीना रमन जो है इनकी एज क्या होती है। तो फर्स्ट है 30 ईयर्स, सेकंड है 32 ईयर्स, थर्ड है 34 ईयर्स, फोर्थ है 35 ईयर्स, एंड द करेक्ट आंसर इज दी 35 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ, बीना हैज स्पैस्टिक चाइल्ड, स्पैस्टिक मीन्स होता है अपाहिज या विकलोंग चाइल्ड होता है इसकी मीनिंग। तो बीना हैज़ ए स्पैस्टिक चाइल्ड होम शी हैज़ बीन नर्सिंग फ्रॉम द लास्ट, ये कहना चाहते हैं कि बीना के पास एक अपाहिज या विकलांग बच्चा होता है जिसकी वो परवरिश कर रही होती है कितने सालों से। फर्स्ट है 15 ईयर्स, सेकेंड है 16 ईयर्स, थर्ड है बीना, फोर्थ है नन ऑफ दिस। सो एट का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा 15 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, शी इज टॉल, शी इज पेल वूमन, हैवी बॉन्ड एंड सैलो, शी हैज़ डिग्निटी इन हर बिहेवियर, पीपल एडमायर हर, हु इज़ शी, ये जो क्वालिटीज़ बताई गई ये किसके बारे में बताई गई हैं। फर्स्ट है मिसेज राय, सेकेंड है मिसेज बनर्जी, थर्ड है बीना, फोर्थ है नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज सी, बीना की ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंथ, मिस्टर रमन वर्क्स इन, आपको बताना है कि मिस्टर रमन कहाँ पे काम करते हैं, किस कंपनी में काम करते हैं। फर्स्ट इज टोबैको कंपनी, सेकंड पेप्सी कंपनी, थर्ड सिगरेट कंपनी, फोर्थ नन ऑफ दिस, एंड द करेक्ट आंसर इज सी, सिगरेट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलेवंथ, मिसेस राय इज, आपको बताना है कि मिसेस राय कौन होती हैं। फर्स्ट है द कलेक्टर्स वाइफ, सेकेंड है द मिनिस्टर्स वाइफ, थर्ड है द कमिश्नर्स वाइफ, फोर्थ है नन ऑफ दिस, एंड द करेक्ट आंसर इज सी, कमिश्नर्स वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेल्व, हु हैज़ द रियल कंसर्न विद द रमन एंड हिज वाइफ, कौन सा व्यक्ति होता है जिसका रियल कंसर्न होता है यानी कि वो चिंता करता है रमन और उसकी वाइफ को लेकर के। फर्स्ट है इंजीनियर्स, सेकंड है टीचर्स, थर्ड है डॉक्टर्स, फोर्थ है नन ऑफ दिस, करेक्ट आंसर इज सी, डॉक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th, द पार्टी एंड्स विद द सैड सॉन्ग ऑफ टैगोर, दिस सॉन्ग इज संग बाय, ये कहना चाहते हैं जो पार्टी है वो टैगोर के एक सॉन्ग से एंड करती है, उसी के एक सॉन्ग से एंड होती है, और ये कहना चाहती है ये जो सॉन्ग होता है ये किसके द्वारा गाया जाता है। फर्स्ट इज डॉक्टर बनर्जीज वाइफ, सेकंड बीना, थर्ड मिसेज राय, फोर्थ नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट
बनर्जीज वाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th. दोशी हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड 3 times फॉर द बुकर प्राइज. शी हैज़ नॉट येट रिसीव्ड द बुकर प्राइज बट हर डॉटर किरण देसाई हैज़ गॉट द बुकर प्राइज फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इन 2006. शी हैज़ रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1978 फॉर फायर ऑन द माउंटेन. शी हैज़ ऑल्सो गॉट द ब्रिटिश गार्जियन प्राइज फॉर द विलेज बाय द सी. शी हैज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम द मिरांडा हाउस. क्लियर लाइट्स ऑफ डे इज़ हर मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क. ये कहना चाहते हैं कौन सा है जिसको शॉर्टलिस्ट किया गया था 3 बुकर प्राइज के लिए लेकिन उसको बुकर प्राइज नहीं मिला था, लेकिन जो उसकी डॉटर होती है किरण होती है उसको बुकर प्राइज दिया गया था, और ये दिया गया था उसके एक वर्क इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए 2006. ये कहना चाहते हैं उसने साहित्य अकेडमी अवार्ड प्राप्त किया था 1978 में अपने वर्क फायर ऑन माउंटेन के ऊपर, और ये कहना चाहते हैं उसने प्राप्त किया था ब्रिटिश गार्जियन प्राइज भी प्राप्त किया था अपने वर्क विलेज बाय द सी के लिए. उसने ग्रेजुएट किया था मिरांडा हाउस से, और एक जो वर्क है क्लियर लाइट ऑफ डे है ये उसकी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जो बहुत ही फेमस है. और ये किसके बारे में बात कर रहे हैं आपको बताना है. फर्स्ट इज़ कमला मार्कंडेय, सेकंड है शोभा डे, थर्ड है अनीता देसाई, फोर्थ है नन ऑफ दीज. करेक्ट आंसर इज सी, अनीता देसाई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th. द फेयरवेल पार्टी इज़ ए स्टोरी रिटन बाय अनीता देसाई. दिस स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम. द फेयरवेल पार्टी एक स्टोरी है जिसको अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया था, और ये जो स्टोरी है कहाँ से ली गई थी आपको बताना है. फर्स्ट इज गेम्स एट ट्विलाइट एंड अदर स्टोरीज, सेकेंड क्राई द पीकॉक, थर्ड फायर ऑन द माउंटेन, फोर्थ इन कस्टडी. एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट गेम्स एट ट्विलाइट एंड अदर स्टोरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th. फादर द बोट क्राइंग मी अवे. फादर इट इज़ कैरिंग मी अवे फ्रॉम होम. दीज आर द लाइन्स ऑफ टैगोर सॉन्ग विच अपीयर इन. ये जो लाइन्स है वो टैगोर के सॉन्ग की हैं, और ये किस वर्क में यूज़ की गई हैं आपको बताना है. फर्स्ट इज द फेयरवेल पार्टी, सेकेंड द फ्लाई, थर्ड द लास्ट लीफ, फोर्थ नन ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट द फेयरवेल पार्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th. डी एन मजुमदार इज़ द फादर ऑफ. ये जो डी एन मजुमदार हैं ये किसके पिता होते हैं आपको बताना है. फर्स्ट इज़ अनीता देसाई, सेकेंड किरण देसाई, थर्ड कमला मार्कंडेय, फोर्थ नन ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट अनीता देसाई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th. टोनी निमे इज़ द मदर ऑफ. ये टोनी निमे किसकी मम्मी होती हैं आपको बताना है. फर्स्ट कमला मार्कंडेय, सेकंड अनीता देसाई, थर्ड करण देसाई, फोर्थ कमला दास. एंड द करेक्ट आंसर इज बी अनीता देसाई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th. अश्वनी देसाई इज़ द हस्बैंड ऑफ. ये जो अश्वनी देसाई होते हैं किसके हस्बैंड होते हैं आपको बताना है. फर्स्ट इज़ कमला दास, सेकंड किरण देसाई, थर्ड अनीता देसाई, फोर्थ नन ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज सी अनीता देसाई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th. ऑल ऑफ द गेस्ट हु नेवर रियली टॉक टू देम बिफोर द पार्टी. वो सारे गेस्ट जो पार्टी से पहले एक दूसरे से बात नहीं करते थे, एक्टेड लाइक दे वर रियली क्लोज विद देम. वो इस तरह से एक्ट कर रहे थे पार्टी में जैसे कि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब हैं. मोस्टली फॉर द ड्रिंक, और ऐसा इसलिए करते थे ड्रिंक के समय में. ये जो लाइन है कहाँ से ली गई है. फर्स्ट है द फेयरवेल पार्टी, सेकेंड द फ्लाई, थर्ड है द लास्ट लीव, फोर्थ है नन ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट द फेयरवेल पार्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st. आह नाउ वी हैव अ चांस टू बी विद यू एट लास्ट. नाउ वी कैन बिगिन आवर पार्टी. अब लास्ट में हमें चांस मिल गया है तुम्हारे साथ रहने का, और अब हम लोग अपनी पार्टी को शुरू कर सकते हैं. ये लाइन कहाँ से ली गई है. फर्स्ट है द फ्लाई, सेकंड है द लास्ट लीफ, थर्ड है द फेयरवेल पार्टी, फोर्थ है नन ऑफ दिस. एंड द करेक्ट आंसर इज सी द फेयरवेल पार्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd. द स्टोरी द फेयरवेल पार्टी रिवील्स द ट्रूथ ऑफ अपर क्लास एग्जीक्यूटिव्स हु डू नॉट हैव. ये कहना चाहते हैं कि जो स्टोरी है द फेयरवेल पार्टी है ये को ट्रूथ को रिवील करती है, बताती है अपर क्लास के एग्जीक्यूटिव की जिनके पास नहीं होता है. क्या नहीं होता है. फर्स्ट है आर्टिफिशियल फीलिंग, सेकेंड है जेन्युइन फीलिंग्स, थर्ड है बोथ आर करेक्ट, फोर्थ है बोथ आर रॉन्ग. एंड द करेक्ट आंसर इज बी जेन्युइन फीलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd. द फ्रेज आई स्टिल लेक ऑफ इंकी ग्रास अपीयर इन. ये जो फ्रेज है ये किस वर्क में यूज़ किया गया है. फर्स्ट है द फ्लाई, सेकेंड है द लास्ट लीफ, थर्ड है द फेयरवेल पार्टी, फोर्थ है नन ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज सी द फेयरवेल पार्टी.
Next question is 24. Outside this circle of family, a hospital ringed as it were with barbed wire and lit with one single फ्लड लाइट्स बीना हैड नो लाइफ दिस इज द एक्सेप्शन फ्रॉम ये कहना चाहते हैं जो लाइन है वो कहाँ से ली गई है फर्स्ट है द फ्लाई सेकंड है द लास्ट लीफ थर्ड है द फेयरवेल पार्टी फोर्थ है नन ऑफ दीज एंड 24 का हमारा करेक्ट आंसर सी है द फेयरवेल पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 हु स्टडीड इन शांति निकेतन इन द फेयरवेल पार्टी फेयरवेल पार्टी में शांति निकेतन में कौन स्टडी करता है फर्स्ट है डॉक्टर बनर्जीज वाइफ सेकंड है मिसेस राय थर्ड है बीना फोर्थ है नन ऑफ दीज एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट डॉक्टर बनर्जी की वाइफ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26 द फ्रेज ग्लेज्ड विद टीयर्स दैट वर कंपाउंडेड इक्वली ऑफ ड्रिंक रिलीफ एंड रिग्रेट अपीयर्स इन ये जो लाइन है ये कहाँ पे यूज की गई है फर्स्ट है द फ्लाई सेकंड है द लास्ट लीफ थर्ड है द फेयरवेल पार्टी फोर्थ है नन ऑफ दीज एंड द करेक्ट आंसर इज सी द फेयरवेल पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27 शी गॉट पद्म भूषण एंड गार्जियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज उसको पद्म भूषण मिला है और गार्जियन चिल्ड्रन की फिक्शन प्राइज भी मिला है शी ऑल्सो गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द फायर ऑन द माउंटेन इन 1978 और उसको जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था फायर ऑन माउंटेन के लिए 1798 में ये कौन है फर्स्ट है अनीता देसाई सेकेंड है किरण देसाई थर्ड है कमला मार्कंडेय फोर्थ है कमला दास करेक्ट आंसर इज फर्स्ट अनीता देसाई नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बाय बाय ब्लैक बर्ड्स वॉइसेस इन द सिटी क्राई द पीकॉक द जिगजैग वे फास्टिंग फेस्टिंग इन कस्टडी क्लियर लाइट ऑफ डे गेम्स एट ट्विलाइट फायर ऑन द माउंटेन्स आर सम पॉपुलर वर्क्स ऑफ ये जो है कुछ पॉपुलर वर्क्स हैं ये किसके द्वारा लिखे गए हैं आपको बताना है फर्स्ट है किरण देसाई सेकेंड है कमला मार्कंडेय थर्ड है कमला दास फोर्थ है अनीता देसाई एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट अनीता देसाई नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29th गेम्स एट ट्विलाइट एंड अदर स्टोरीज इज पब्लिश्ड इन गेम्स एट ट्विलाइट और दूसरी जो स्टोरीज होती हैं उन्हें कब पब्लिश किया गया था आपको बताना है फर्स्ट इज 1978 सेकंड 1979 थर्ड 1980 फोर्थ 1982 एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट 1978 तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे फिर मिलते हैं अगली क्लास में टिल देन टेक केयर हैव अ गुड टाइम